नेटफ्लिक्स पर इस वक्त वाइल्ड वाइल्ड पंजाब स्ट्रीम करी जा रही है और भाई मैंने ये फिल्म देख ली है। आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे शायद थोड़ी टूट जाए। आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या ये आपके टाइम की वर्दी है, आज जानेंगे इस रिव्यू में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय नो स्पॉइलर रिव्यू ऑफ वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। तो भैया ये कहानी है चार दोस्तों की, इसमें आपको फुकरे की पूरी टीम दिखेगी और इतने सारे चेहरे हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार आखिर हंसना किसके जोक पर है। उन एक्टर्स में से, इसकी पूरी कास्ट में से एक एक्टर ऐसे भी हैं जो पहले एक सिंगर थे या अभी भी हैं। इनका एक गाना है जान दीनी हले जस्सी गिल नू। जस्सी गिल जी, इस फिल्म के बाद ना हमें आपको जानने का मन भी नहीं करेगा क्यों आए हैं आप इस फिल्म में, मतलब क्या रोल था कुछ समझ नहीं आया। देखो एकदम मैं नेगेटिव नहीं होंगी, फिल्म फनी है लेकिन जो ट्रेलर में प्रॉमिस किया गया था उस हिसाब की एंटरटेनिंग नहीं है। फुकरे रिटर्न्स, गोलमाल, ये जब कॉमेडी का स्टैंडर्ड होता है ना बॉलीवुड का, तो जब ऐसी फिल्म सामने से आती हैं तो ऑब्वियसली मूड तो खराब होगा ही ना। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है और इसमें वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, सनी सिंह, इशिता राज, इस फिल्म की जब शायद कास्टिंग हो रही होगी तो काफ़ी सारी फिल्म देखते वक्त कास्टिंग डायरेक्टर्स ने लोग कास्ट किए होंगे, क्योंकि आधे कैरेक्टर्स तो देखिए सोनू के टीटू की स्वीटी से लिए गए हैं, फिर आधे फुकरे वाले हैं। इन सब का एक लगता है कुछ कोलैबोरेशन हुआ है इस फिल्म में। और इतने सारे फनी और अच्छी कॉमिक टाइमिंग्स वाले स्टार्स होने के बावजूद भी ये फिल्म उतनी फनी नहीं लगी मुझे। कहानी शुरू होती है एक ब्रेकअप से। वरुण शर्मा का इस फिल्म में ब्रेकअप हो चुका है और उन्हें लेना है अपनी एक्स से बदला, जिसमें उनका साथ देंगे उनके बाकी ये तीन फ्रेंड्स। थोड़ा स्टार्टिंग में तो मुझे हैंगओवर फिल्म वाली वाइब आ रही थी। अगर आपने हैंगओवर देखी है, इसके तीन पार्ट्स हैं, बहुत बढ़िया फिल्म है यार ये। नहीं देखी तो अगर ये फिल्म देखने के बाद मूड खराब हो जाए बाय चांस तो जाके वो वाली देख लेना, क्योंकि इसके तीनों ही पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस हैं। और वो कहानी भी तीन दोस्तों की है, बस यहाँ पे चार हैं और ये फेस करेंगे कुछ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस जो इन्होंने शायद सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन इनका एंड गोल क्या है, वरुण शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड को जाके ये कहना कि वरुण उनसे मूव ऑन कर गए हैं। I get it भाई, ऐसी stupid advice ना एक मर्द friend अपने दूसरे मर्द friend को ही दे सकता है, इसलिए कहते हैं थोड़े female best friends वगैरह बनाओ, थोड़ा सही रहोगे life में, sorted रहोगे। खैर क्योंकि ये OTT release है तो ठीक है, मतलब कुछ scenes में आपको मजा आ सकता है, थोड़े बहुत jokes हैं जो आपको शायद हंसा दें। एक फुकरे 3 जैसा सीन भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा वरुण शर्मा का, जहां वो सूसू वगैरह कर देते हैं और आई डोंट नो सूसू से आग कैसे लग गई, मतलब थोड़ा कुछ बैठ नहीं रही थी यहाँ पे फिजिक्स और साइंस। सनी सिंह का इस फिल्म में थोड़ा अलग रोल है, मतलब कंसिडरिंग हाँ उन्होंने उजड़ा चमन जैसी फिल्म्स की है, जय मम्मी दी की है, आई डोंट नो वो हर फिल्म में ऐसे हंक प्रिटेंड क्यों करते हैं होने का, लेकिन आई रियली लाइक हैव दिस बिलीव कि उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यार, उनको बेटर रोल्स मिलने चाहिए। इस फिल्म में वो एक बॉक्सर का रोल कर रहे हैं जिसे किसी से प्यार नहीं होता, बट प्यार होता है तो सिर्फ एक बैडी से, और ये बैडी है इशिता। फीमेल लीड से याद आया तो इस फिल्म में पत्र लेखा भी है, व्हाट अ स्वीट फेस, बहुत बहुत मजा आया उनको देखने में, काफी क्यूट लग रही है। वो ऑपोजिट किसके कास्ट की गई है ये मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि इस फिल्म में सारे यंग और रिलेटेबल एक्टर्स ही हैं तो नहीं, इस फिल्म में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्हें हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, जो काफ़ी छठे हुए हैं और इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना वो कोई मैच नहीं कर सकता। उनमें से वो कैरेक्टर्स हैं गोपाल दत्त जो प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में जस्सी गिल के फादर का रोल। वो एज अ फादर उनका जो रोल है उसमें उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जितना है वो देखने में आपको मज़ा आएगा। साथ ही राजेश शर्मा जो इस फिल्म में पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं उनको भी काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, लेकिन उनके जो कमबैक्स और डायलॉग डिलीवरी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फन देंगे। तो ऑल इन ऑल ये फिल्म में आपको मिलेगा काफ़ी सारा ड्रामा, थोड़ी बहुत कॉमेडी, लेम जोक्स ही कह लो, मतलब हंसी नहीं आने वाली। इससे ज़्यादा हंसी मुझे आई थी किल में जो राघव जुआल ने अपने कमबैक्स दिए थे ना, उसमें मुझे ज़्यादा हंसी आई थी। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो ये जो लेवल ऑफ कॉमेडी इस फिल्म में है। नेटफ्लिक्स कुछ टाइम से ऐसी फिल्म्स और सीरीज लेके आ रहा है जिसमें लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, बट समहाउ दे आर ऑल ट्रेंडिंग फॉर सम रीज़न। अब आप इसे इसका तगड़ा PR गेम कहो या फिर ब्रांड के साथ कमिटमेंट, अगर आपको सैटरडे संडे कुछ नहीं मिल रहा देखने को और मतलब खाना ही खाना है देखते देखते, तो आप देख सकते हो, मतलब टाइम पास मूवी है, एक से ज़्यादा बार नहीं देख पाओगे ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ।
सो दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू. अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, कमेंट योर ओपिनियंस बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनकट.